सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृष्ण कथा से पहले राम का चरित्र आता है और राम इस देश का चरित्र है। भारत की भोर का प्रथम स्वर कोई है, इस भारत की भोर की पहली गूंज कोई है, इस भारत की भोर में अभिनंदन प्रणाम अभिवादन के लिए कुशल क्षेम पूछने के लिए भारत की भोर में पहले कोई नाम गूंजता है तो वो है राम। राम राम जी, जय राम जी की। राम जो भारत के प्रभात का पहला स्वर है और कहीं द्वितीया का चांद दिखे, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु, बालेंदु माने द्वितीया का चांद, दूज का चांद। तो कहीं अंबर में हम दूज का चांद देख लें तो हमें वही याद आता है, क्योंकि उस मामा को देखकर हमें प्रणाम करने को मन करता है। इतने प्रणाम चंद्रमा को धरती से जाते हैं, अरे देखो दूज का चांद आ गया, प्रणाम कर लो। आप जानते हो तृतीया को नहीं, चतुर्थी पंचमी को नहीं, षष्ठी सप्तमी को नहीं, अष्टमी नवमी को नहीं, इतने प्रणाम तो पूर्णिमा को कभी नहीं होते जितने प्रणाम दूज के चांद को होते हैं। क्यों? और एक और सच है, ये दूज का ही चांद है जिस जो मामा बना। चंदा हमारा ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, भैया भतीजा नहीं है, दादा नहीं है, तो फिर क्या है? मामा। क्यों चंदा मामा ही क्यों है? क्योंकि चंदा की बहन है लक्ष्मी, लक्ष्मी और चंद्र एक साथ निकले हैं समुद्र से। लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है और लक्ष्मी हमारी माँ है, वो विष्णु भारिया है। तो लक्ष्मी हमारी माँ और उसका भैया चंदा हमारा क्या लगा? मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा है, द्वितीया का चांद। यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।